हॉस्टल होल्डिंग्स को लेकर नगर निगम ने अब पुलिस विभाग की तरह बीट सिस्टम लागू कर दिया। इसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों और सभी 85 वार्डों में रिमूवल विभाग के 156 कर्मचारियों को तैनात किया गया। अब यह सभी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में लगने वाले अवैध बैनर, पोस्टरों, होर्डिंग की जानकारी तुरंत निगम अधिकारियों को देंगे और निगम प्रशासन इन अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को अविलंब हटाने की कार्यवाही करेगा। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि रोज रोज लगने वाले बैनर, पोस्टर के विवाद को रोकने के लिए यह कारगर कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत ऐसे बैनर, पोस्टर लगते ही उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही इन कर्मचारियों की जवाबदारी होगी कि बैनर, पोस्टर लगाने वालों की जानकारी फोटो वीडियो के साथ निगम अधिकारियों को देंगे। होर्डिंग को लेकर बार बार कार्रवाई करना पड़ती है, बार बार इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो कोई कार्य योजना बनी है कि होर्डिंग नहीं लग पाए? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल 156-157 लोगों की ड्यूटी के साथ में एक आदेश निकाला है, जिसमें कि जितनी भी प्रमुख रोड्स हैं और विभिन्न वार्ड्स हैं, इनको हम लोगों ने एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है वो चेक करने के लिए और उसको रिपोर्ट करने के लिए। रिमूवल दल के ही वो लोग सदस्य हैं। तो अब जब एक तरीके से बीट सिस्टम हम लोगों ने स्थापित किया इस मामले में, जैसे ही होर्डिंग लग रहे होंगे हम लोगों को पता लग जाएगा और हमको तुरंत निकालने में बहुत सहूलियत होगी। लेकिन बैनर, पोस्टर शहर के रूप रंग को खराब करते हैं, इस संबंध में मुझे लगता है कि सभी की सहमति है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है, उसमें भी इंदौर नंबर वन आने के लिए हमेशा जो लगा रहता है उसमें ये सहभागी बनता है। तो हमारी तरफ से जो शक्ति है बैनर पोस्टर हटाने में वो पूरी तरीके से जारी रहेगी और एक भी बैनर पोस्टर किसी का भी अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो नहीं बचेगा।